Hello everyone, a very good morning to all of you friends. Again I am with you after a long time. मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स. ये वीडियो है क्लॉजेस पर बेस्ड. क्लॉजेस जब इसका नाम ही हम सुनते हैं तो ग्रामर में अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि क्लॉजेस टॉपिक समझ में नहीं आता है. स्टूडेंट्स इसे बहुत ज़्यादा टफ फील करते हैं और क्लॉजेस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेंड्स जरूर आता है. 9th, 10th, 11th और 12th की ग्रामर में आप इसे देख सकते हैं. क्लॉजेस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है. तो आज ये वीडियो मैं क्लॉजेस पर बेस्ड लेकर आया हूँ फ्रेंड्स. आई गारंटी यू ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. आप पूरे वीडियो को एंड तक देखें और इसे पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें. मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में प्रैक्टिस के लिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा. सब चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा. आपको इसे एक्सरसाइज को लास्ट में सॉल्व भी करना है. कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उनके एग्जाम्पल्स आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें नाउन क्लॉजेस है, एडजेक्टिव क्लासेस है या फिर एडवर्ब क्लासेस है. सो हम वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स. लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स. सबसे पहले तो हम क्लॉजेस के टाइप्स को देखते हैं. देखिए क्लॉजेस के थ्री टाइप्स हैं. फर्स्ट है प्रिंसिपल क्लॉज जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं. सेकंड है कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड है सबऑर्डिनेट क्लॉज. राइट, अब आप यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज का एग्जांपल देखना. आई डोंट नो वेयर शी लिव्स. राइट, आई डोंट नो मुझे नहीं पता वेयर शी लिव्स जहाँ वो रहती कहाँ वो रहती. सो हियर आई डोंट नो इज एक्चुअली आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस है. आप समझिए बात को. इसको प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक इंडिविजुअल सेंटेंस है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है. बट अगर आप देखेंगे वेयर शी लिव्स, ये जो है डिपेंडेंट सेंटेंस है. राइट, ये डिपेंड है किसके ऊपर, आई डोंट नो के ऊपर. तो ये वेयर शी लिव्स जो है आपका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. राइट, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. आई डोंट नो, अब आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि प्रिंसिपल क्लॉज होगी क्या. प्रिंसिपल क्लॉज मीन्स ऐसी क्लॉज जो कि डिपेंडेंट नहीं हो, इंडिविजुअली उसका मीनिंग अपने आप निकल रहा हो, वो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के ऊपर, फ्रेजेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहती है. तो यहाँ पर आई डोंट नो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है. सेकंड आप देखेंगे, आगे मैं और भी आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सेकंड है कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट क्लॉज में देखेंगे आप, शी वेंट टू मार्केट एंड बॉट समथिंग. अब ये देखिए, एक यहाँ पर शी आपका सब्जेक्ट है, वेंट टू मार्केट एंड बॉट समथिंग, ये आपका एक अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में आया और ये आपका एक इंडिविजुअल, मतलब इन दो का कनेक्शन एक ही सब्जेक्ट से. मतलब ये सेंटेंस जो है ये भी आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी आपकी एक प्रिंसिपल क्लॉज है. तो ये दो प्रिंसिपल क्लॉजेस मिलकर एक कोऑर्डिनेट क्लॉज को बनाती है. राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. सबऑर्डिनेट क्लॉज में देखिए, आई आस्क्ड हिम, तो आई आस्क्ड हिम आपकी कौन सी क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज. एंड वेयर शी लिव्ड, ये है आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज. राइट, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर आई आस्क्ड हिम जो है वो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज है, बट वेयर ही लिव्ड दैट्स द सबऑर्डिनेट क्लॉज. राइट, एंड शी वेंट टू मार्केट एंड बॉट समथिंग, इट्स अ कोऑर्डिनेट क्लॉज. अब फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम उसके बारे में बात करते हैं. आई होप कि क्लॉजेस के टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे. राइट, अब यहाँ पर क्लॉजेस के टाइप को समझने के बाद में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज है क्या भैया. राइट, तो सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये दिमाग में क्लियर कर लें, क्लॉजेस मतलब होते हैं उपवाक्य. ये सेंटेंसेस में यूज होते हैं, इंडिविजुअली कुछ सेंटेंसेस भी होते हैं, मतलब ये सेंटेंस के टाइप्स है. अब इसमें मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप इसमें फिर कहेंगे कि ये तो कंजक्शन है. एक्चुअल में आप क्लॉजेस को सबसे पहले समझिए, क्लॉजेस मतलब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आता है. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं माना जाता. आप अगर नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन में किसी में भी आप अगर इसको ढूंढेंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सेंटेंस की ग्रामर में आता है, ये वर्ड की ग्रामर में नहीं आता है. तो ये आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे यहाँ पर. अब आप देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज. फ्रेंड्स सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती हैं. पहली होती है नाउन क्लॉज, दूसरी होती है एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड होती है एडवर्ब क्लॉज. राइट, तो इस तरीके से आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज तीन प्रकार की होती है और इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं. ठीक है, आपको नाउन क्लॉज दी रहती है, आपको एडजेक्टिव क्लॉज दी रहती है, आपको एडवर्ब क्लॉज दी रहती है, आपको कभी कभी सेंटेंसेस दिए रहते हैं उनके अंदर आपको एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और नाउन क्लॉजेस लगानी रहती है. तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पहचानना है कि ये क्लॉज नाउन क्लॉज है, कैसे पहचानना है एडजेक्टिव है और कैसे पहचानना है एडवर्ब है.
तो आज हम जिस चीज़ पर वर्क करेंगे वो सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो कि क्लॉजेस के टाइप में आता है और एक क्वेश्चन एग्जाम में इसका डेफिनेटली फ्रेंड्स बनता ही है। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखो, लास्ट में जो एक्सरसाइज मैं आपको करने के लिए दूंगा उसे आप पूरा सॉल्व करें, गारंटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर मेरे पीछे, मैं आपको पहले नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों के बीच में अंतर को समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप सबसे पहले तो नाउन का और एडजेक्टिव का मतलब समझे। नाउन एग्जैक्टली होता क्या है? नाउन का हिंदी मतलब संज्ञा होता है, हम जानते हैं अच्छे से, लेकिन आप देखना यहाँ पर दैट वॉट हु और हाउ, ये जितने भी आपके वर्ड मैंने बताए ये नाउन की तरह वर्क करेंगे आपके सेंटेंसेस में, और वहीं दूसरी ओर दैट वेयर हु और विच ये आपके एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे। मतलब एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना, नाउन की विशेषता बताना, ठीक है, और नाउन अपने आप में नाउन होता है, राइट। अब आप सेंटेंसेस को देखना, उससे आप डिफरेंस को अच्छे से समझ पाएंगे कि इसमें हम सबसे पहले तो नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ रहे हैं जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में आती है। मैंने आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बता चुका हूँ कि वो क्या होता है। तो नाउन क्लॉज में दैट वॉट हु एंड हाउ आता है, एडजेक्टिव क्लॉज में भी दैट है वेयर है हु है, आप अगर देखेंगे तो दैट इसमें भी दिया है दैट इसमें भी दिया है, लेकिन यहाँ पर दैट का मतलब अलग है तो यहाँ पर दैट का मतलब अलग है, वो एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ भी हु दिया हुआ है और यहाँ भी हु दिया है, लेकिन यहाँ हु का मतलब अलग निकलेगा, यहाँ हु का मतलब अलग निकलेगा, राइट। देखिए हम किस तरीके से इसको देखते हैं। इट अपीयर्स दैट किशन विल नॉट कम टूडे, ऐसा लगता है कि किशन आज नहीं आएगा। सो हियर दिस डेट इज वर्किंग एज अ की, राइट। ये कंजक्शन है, आप इसे कंजक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो आपका दैट है ये आपका नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है, मतलब आपके नाउन की तरह ये यूज हो रहा है, दैट इज वाई। ऑन द अदर हैंड आप देखना एडजेक्टिव की तरह यूज होगा इसमें, ही इज द ओनली बॉय, वही सिर्फ एक ऐसा लड़का है, ही इज द ओनली बॉय दैट, यहां पर क्या लगाया हमने दैट लगाया, जो किसको रिप्लेस कर रहा है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट को। अब आप देखना यहां से ही इज द ओनली बॉय दैट कैन डू दिस, सो ही इज द ओनली बॉय, मतलब आप यहां पर एक स्पेशलिटी बता रहे हो लड़के की कि वही ही इज द ओनली बॉय, वह एक ऐसा लड़का है दैट कैन डू दिस, जो यह कर सकता है। तो यहां पर ये एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, एज एडजेक्टिव आ रहा है, जो विशेषता बता रहा है कि वही लड़का जो ये कर सकता है, दैट्स व्हाई दिस दैट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव हियर, राइट। सेकंड सेंटेंस आप देखेंगे, आई आस्क्ड हिम व्हाट ही लाइक्स, मैंने उससे पूछा व्हाट ही लाइक्स कि वो क्या पसंद करता है या जो वो पसंद करता है, तो यहां पर ये जो व्हाट आ रहा है आपका इट इज वर्किंग एज अ नाउन क्लॉज। अब आप देखेंगे नाउन क्लॉज जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के आगे लग रहा है, देखिए ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर, इसके आगे वॉट लगा, ये आप किशन आपका सब्जेक्ट है इसके आगे दैट लगा, लेकिन आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है राइट, ये सब्जेक्ट को या तो रिप्लेस करता है या फिर सब्जेक्ट की विशेषता को बताता है। अब देखिए ना, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है वेयर आई फर्स्ट मेट हिम, तो यहाँ पर वेयर इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है वेयर आई मेट हिम फर्स्ट, जहां मैं उससे पहली बार मिला, सो दैट फर्स्ट इज एक्चुअली जहां, राइट, इट इज वर्किंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, राइट। इसके बाद आप देखेंगे आई नो हिम, नाउन क्लॉज को देख रहे हैं हम, आई नो हिम, सॉरी आई नो, मैं जानता हूं हु विल डू दिस, अगर आप यह ध्यान से सेंटेंस को देखें तो यहां पर हु लिखा है, नो के बाद में कुछ भी नाउन नहीं आ रहा है, राइट, लेकिन अब यहां पर देखना ही इज द बॉय Who has done this? यहाँ पर who के पहले क्या आ रहा है? Noun आ रहा है। तो friends यहाँ भी who दिया है लेकिन और यहाँ भी who दिया है, लेकिन यहाँ पर ये जो who है it is working as an adjective clause। अगर आपको कहे कोई कि he is the boy who has done this में adjective clause कौन सी है, तो ये रही आपकी adjective clause। और अगर आपसे कोई कहे I know who will do this, आपसे कहे adjective clause कौन है, तो ये रही आपकी अगर आपसे कोई नाउन क्लॉज कहे तो ये रही आपकी नाउन क्लॉज, राइट। आप इजीली इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ऐसे देखिए फ्रेंड्स, योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क, आपकी सफलता निर्भर करती है हाउ यू वर्क, हियर हाउ इज वर्किंग एज एन नाउन क्लॉज, राइट। आप देखेंगे सब्जेक्ट के पहले लग रहा है, ये पहचान का तरीका हो रहा है, सब्जेक्ट इंडिविजुअली दिया रहता है उसके पहले लगता है, लेकिन यहां देखेंगे आप आई हैव लॉस्ट द वॉच विच के पहले, आप देखेंगे ये भी सब्जेक्ट के पहले लग रहा है लेकिन इसके पहले क्या आता है, नाउन आता है, देखिए ना
लेकिन इसके पहले आपको नाउन नहीं दिखेगा. देखिए डिपेंड्स ऑन हाउ यू वर्क. क्या कोई नाउन दिख रहा है आपको यहाँ पर? नहीं दिखाई दे रहा है. मतलब हाउ जो है आपका नाउन क्लॉज हो रहा है और आपका विच जो है वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो रहा है, क्योंकि विच से पहले आपको नाउन दिया जा रहा है. दैट इज वाई ये नाउन की विशेषता बताता है. आई हैव लॉस्ट द वॉच, मतलब मैंने वही घड़ी खो दी है. विच यू गिव मी यस्टरडे, जो आपने मुझे कल दी थी. मतलब यहाँ पर आपका विच, हु, वेयर एंड दैट दे आर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज, राइट? दे आर वर्किंग एज एन एडजेक्टिव क्लॉज. इनके बाद जो भी आ रहा है वो पूरा एरिया, जैसे वेयर आई फर्स्ट मेट, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है. इसके बाद दैट कैन डू दिस, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. इसके अलावा आई हैव लॉस्ट द वॉच विच यू गिव मी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का डाटा आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. तो आपको कुल मिला के सेंटेंस में पहचानते आना चाहिए. एसएससी के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन इस पर बेस्ट बनता है कि आपको दिए गए सेंटेंस में कौन सी क्लॉज लगी हुई है. तो एक नंबर का उसमें आता है ये क्वेश्चन. इसके अलावा 9, 10, 11, 12 में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस पर बेस्ट बनता ही है. आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये डिफरेंस आप कर समझ पा रहे होंगे कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज है क्या. आपको सबसे पहले नाउन और एडजेक्टिव के बीच में अंतर को पहचानना होगा, अगर इसके बीच में अंतर को आपको जानना है तो. लेट सी द एडवर्ब क्लास. ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. देखिए एडवर्ब क्लॉजेस ये कैसे वर्क करता है आपका. देखिए एडवर्ब क्लॉज में स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर कैम, हियर द व्हेन इज एक्चुअली योर एडवर्ब क्लॉज. एडवर्ब अभी क्यों है उसका रीजन देखिए. ये एडवर्ब ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है. बच्चे खड़े हो गए जब टीचर आए, राइट? तो यहाँ पर ये जो वर्ड है आपका वैन, इट इज वर्किंग एज एन एडवर्ब, राइट? इसीलिए ये यहाँ पर आपका एडवर्ब क्लॉज के रूप में वर्क कर रहा है. सेकेंड, ही enjoys whenever he meets me. तो whenever ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया आपका. whenever जब कभी, ही enjoys वो मजे करता है जब कभी वो मुझसे मिलता है, उसको अच्छा लगता है जब कभी वो मुझसे मिलता है. ऐसे देखिए as soon as ज्यों ही जैसे ही, they saw the train, उन्होंने ट्रेन को देखा, they ran to catch it, वो दौड़े उसे पकड़ने के लिए. So here the as soon as is actually your एडवर्ब क्लॉज, ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गई. ऐसे देखिए शी मेक्स फ्रेंड्स वेयरएवर शी गोज. वेयरएवर मतलब जहां कहीं भी, राइट? शी मेक्स फ्रेंड, वो फ्रेंड्स बना लेती है जहां कहीं वो जाती है. तो यहां पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की बात हो रही है फ्रेंड्स. जहां कहीं भी वो जाती है मतलब जाने का मैनर, जाने की बात हो रही है ना, इसलिए ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हो गई है. आगे देखेंगे आई कांट वॉक because I am tired, adverb clause of reason, because, right? I can't walk, मैं नहीं चल सकता because I am tired, क्योंकि मैं थक गया हूँ. तो friends यह आपका because जो है जो कि conjunction भी है और adverb clause of reason के रूप में work करता है, right? तो यहाँ से ये जो sentence है आपका because I am tired, ये आपका adverb clause of manner में आता है. Next, as you sow, so shall you reap. यहाँ पर as and ये so, right? They are working as an एक पर्टिकुलर मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर के रूप में इसको वर्क करेंगे. मैं एज यू सो जैसा बोगे, शो यू सेल ऐसा आप काटोगे. ऐसे नेक्स्ट देखिए आप, इफ ही हैड स्टडीड ही वुड हैव पास्ड. यदि उसने पढ़ाई की होती, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन स्थिति दे रहा है, कंडीशन बता रहा है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस भी एक. If he had studied, he would have passed. यदि उसने पढ़ाई की होती, right? तो वो पास हो गया होता. Next है किशन is as intelligent as Rohan. Comparatively एक प्रकार से बात कर रहे हैं, तो adverb clause of comparative. किशन is as intelligent as Rohan. किशन भी उतना ही intelligent है जितना कि Rohan. तो as that is the adverb clause of comparison. So friends ये जो examples आपके सामने 6-7 मैंने बताए, ये थे आपके adverb क्लॉजेस के एग्जाम्पल्स, राइट? आज मैंने आपको इस वीडियो में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के एग्जाम्पल्स बताए. अब अगर मैं आपको इसके लिए एक्सरसाइज दूँ तो ये आपको सॉल्व करते आनी चाहिए फ्रेंड्स. हम ये इसका पार्ट वन था, मैं इसके पार्ट टू में आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम उसे सॉल्व करते हैं. थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच.